हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। तो जो रिसर्च सेंटर चेंज करने का जो नोटिफिकेशन है वो काफी दिन पहले ही आउट हो चुका है। तो कुछ 9th of October तक आप आपका रिसर्च सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ आपको ऐसा मेल आया होगा जहां पे आपको बताया है कि ये वेबसाइट है, वहां पे आप जाके रिसर्च सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वहां से करने को आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो कैंडिडेट्स हुआ डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन 5th of September नीड्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इन सब्सिक्वेंट फेज एट द रिसर्च सेंटर ऑप्टेड व्हाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो रिसर्च सेंटर आपने सिलेक्ट करा है आपको वहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन व्यू ऑफ फाइनल रिवाइज्ड वैकेंट पोजीशंस ऑफ रिसर्च गाइड्स एंड सेंटर्स फॉर पीएचडी कोर्स एंड द सेम हैज बीन अपडेटेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अभी अपडेटेड वैकेंट पोजीशंस की जो लिस्ट आई है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके पूरा चेक कर सकते हैं। अभी भी 2 दिन बचे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गाइड दूसरे गाइड के अंडर पीएचडी करना है या दूसरे रिसर्च जो दूसरे रिसर्च सेंटर में है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप द सेम विल बी अवेलेबल अप टू 9th of October 2021। तो 9 अक्टूबर तक, मतलब अभी आज 7 है तो 2 डेज अभी भी लेफ्ट है, तो आप 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिसर्च सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर 9 अक्टूबर के बाद आप चाहते हैं कि आपको रिसर्च सेंटर चेंज करना है तो ये ऑप्शन आपको आपको आगे अवेलेबल नहीं किया जाएगा। तो अभी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एस्टर्स बायोलॉजी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।